नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी की थी। पीएम मोदी की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बहस फिर से शुरू हो गई है, जहां पीएम मोदी ने कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है और विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर अपनी बात रखी और कहा कि केंद्र को यूसीसी पर सोचना चाहिए। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसको इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो उधर कांग्रेस की यूपीए सहयोगी पार्टी डीएमके ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले हिंदुओं पर लागू हो समान नागरिक संहिता और सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना पूजा करने की अनुमति देनी होगी। அதிகமாக்கி நாட்டிலே குழப்பத்தை ஏற்பு அவர் கருதி கொண்டிருக்கிறார். इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। अरे उनको पूछो ना कि पहले रोजगार कैसे दोगे यार, महंगाई कैसे घटाओगे, पहले उस पर बात करो ना। गौरतलब है कि यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके ने मोदी सरकार की आलोचना की है। उधर महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यूसीसी का समर्थन किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून।